हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर को वापस बुला रही है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ टाइम पहले आग लग चुकी थी, जिसकी पुष्टि करने के लिए कंपनी अपने 1441 यूनिट स्कूटर को वापस बुला रही है कंपनी में, जहाँ पे कंपनी के इंजीनियर्स आग लगने की वजह का पता लगाएंगे और उसको जल्दी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इसके वजह से इसको वापस बुलाई जा रही है और जांच करने के बाद कंपनी ऑफिशियल ये भी जानकारी देगी कि इसमें आग क्यों लग रही है। और ओला कंपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी थी, उस बैच में जितने भी स्कूटर्स डिलीवर हुए थे, उन सभी स्कूटर को ही वापस बुला रही है। उसको चेक करेगी, उसके बाद उसको फिक्स करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है AIS 156 स्टैंडर्ड के साथ साथ यूरोपियन ECE 136 स्टैंडर्ड का भी अनुपालन करती है। और ये केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर में ही इस समय आग लगने का जो कि मामला सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा ओकिनावा स्कूटर्स में भी कुछ टाइम पहले आग पकड़ी थी। इसके अलावा प्योर ईवी के स्कूटर्स में भी आग पकड़ी थी। तो ओकिनावा कंपनी ने भी लगभग अपने 3000 यूनिट्स को वापस बुलाए हैं और प्योर ईवी ने भी लगभग 2000 यूनिट्स को अपने वापस से अपने कंपनी में बुलाए हैं और आग लगने का पता लगाएगी और इसको जल्दी फिक्स किया जाएगा। क्योंकि इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो भी आग लग रही है, तो अगर आगे से ऐसा होता है तो गवर्नमेंट इसकी जांच करेगी और कोई भी फॉल्ट कंपनी के द्वारा पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी सेफ्टी के लिए अपने सभी स्कूटर्स को वापस बुला रही है और ओला ने लगभग अपने 1441 यूनिट स्कूटर्स को वापस बुलाया है। तो यहाँ पे आपको बस यही जानकारी देनी थी कि अगर आप भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर कोई भी स्कूटर चलाते हैं, अगर कोई भी फॉल्ट आपको नजर आती है तो डायरेक्ट आप कंपनी से अपना क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।